हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की 10 सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग्स के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी 10वें नंबर की पेंटिंग के बारे में, जिसका नाम है नंबर 5। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, 1948 में जैक्सन पोलक के द्वारा बनाई गई थी। और इस पेंटिंग को 2006 में डेविड मार्टिन्स को $140 मिलियन में बेचा गया था। तो अब बात करते हैं अपनी 9वीं पेंटिंग के बारे में, जिसका नाम है मास्टरपीस। रॉयल स्टेनस्टीन ने बनाई थी ये पेंटिंग 1962 में, और 2017 में जब ये पेंटिंग बिकी तो ये बिकी $165 मिलियन। नंबर 8 जो पेंटिंग है हमारे पास, इसका नाम है न्यू काउच। अमेडियो मेडिग्लियानी ने बनाया था इस पेंटिंग को 1917 में। न्यू काउच को अक्का द रेड न्यूट और द रेसलिंग न्यूट भी कहा जाता है। और इस पेंटिंग को नवंबर 2015 में एक चाइनीज बिजनेसमैन लियू यकिन ने $170 मिलियन में खरीदा था। 7वें नंबर पर जो हमारे पास पेंटिंग है, उसका नाम है लेस फेमस द अल्गर वर्जन ओ। इसे पिकासो ने 1955 में बनाया था, और 2015 में ये $179.4 मिलियन में बिकी थी। नंबर 6 जो पेंटिंग है हमारे पास, उसका नाम भी नंबर 6 ही है, वॉयलेट। इसे वॉयलेट ग्रीन एंड रेड भी कहा जाता है। मार्क रोथक ने बनाई थी इस पेंटिंग को 1951 में, और 2014 में जब ये पेंटिंग बिकी तो इसकी कीमत थी $186 मिलियन। इसे एक रशियन बिजनेसमैन ने एक स्विस आर्ट डीलर से खरीदा था 2014 में। नंबर 5, पांचवें नंबर की जो पेंटिंग है हमारे पास, उसका नाम है नंबर 17A। 1948 में जैक्सन पोलक के द्वारा बनाई गई थी ये पेंटिंग, और 2015 में ये पेंटिंग डेविड गिफन के द्वारा एक बिलियनर आर्ट कलेक्टर कैनेट से गिफन को लगभग $200 मिलियन में बेची गई थी। नंबर 4 पर जो हमारे पास पेंटिंग है, उसका नाम है नाफिया फा आइपो आइपो। इसे वेन विल यू मैरी भी कहा जाता है। पाउल गोगिन ने 1892 में इस पेंटिंग को बनाया था, और 2015 में इसे कतार म्यूजियम द्वारा एक प्राइवेट स्विस कलेक्टर से $210 मिलियन में खरीदा गया था। नंबर 3 पर जो हमारे पास पेंटिंग है, उसका नाम है द कार्ड प्लेयर। पाउल सीजाने ने इस पेंटिंग को बनाया था, और 2011 में जब इस पेंटिंग को बेचा गया तो इसकी कीमत थी $250 मिलियन। नंबर 2 पर जो हमारे पास पेंटिंग है, उसका नाम है इंटरचेंज। विलियम डी कुनिंग ने इस पेंटिंग को 1955 में बनाया था, और 2015 में इस पेंटिंग को डेविड गिफिन फाउंडेशन के द्वारा केनेथ सी ग्रिफिन को $300 मिलियन में बेचा गया था। नंबर 1 पर जो हमारे पास पेंटिंग है, उसका नाम है सेल्वाटोर मुंदी। इसे द ग्रेट पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने 1500 में बनाया था, और इस पेंटिंग को 15 नवंबर 2017 में प्रिंस बदर बिन अब्दुल्लाह के द्वारा $450 मिलियन में खरीदा गया है। और ये पेंटिंग इतिहास की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है, जिसे कि लियोनार्डो डा विंची ने चित्रित किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जल्द ही आपसे अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एंड फाइनली